नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। सेल्टॉस के रूप में भारतीय बाजार में अपना सिक्का जमाने के बाद अब किया मोटर्स इंडियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस और अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आप सभी जानते ही होंगे कि पिछले 3 महीने में सेल्टॉस ने वो कर दिखाया है जो क्रेटा ह्युंडई के लिए पिछले 4 सालों में नहीं कर पाई है। सेल्टॉस की अब तक किया को 60,000 से ज़्यादा की बुकिंग्स मिल चुकी है। किया सेल्टॉस को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। भारतीय बाजार में अपने सेगमेंट में किया सेल्टॉस सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी बन चुकी है और इसी के दम पर किया मोटर्स भारतीय बाजार की यानी कि भारतीय ऑटो सेक्टर की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। इन सभी पर एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। किया मोटर्स भारतीय बाजार में एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है जो सीधे सीधे मारुति विटारा ब्रेजा और ह्युंडई की वेन्यू को टक्कर देगी। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान पाया गया है और इसकी कुछ तस्वीरें लीक हुई है, तो चलिए जानते हैं इस किया की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। किया मोटर्स भारतीय बाजार में कोड नेम QYI के नाम से एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। ये नई एसयूवी सीधे सीधे मारुति ब्रेजा और ह्युंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। QYI कोडनेम वाली इस एसयूवी को हाल ही में अपने घरेलू मार्केट यानी कि साउथ कोरिया में टेस्टिंग के दौरान पाया गया है और इसकी कुछ तस्वीरें ऑनलाइन लीक हुई है, जिससे इस एसयूवी के बारे में कुछ डिटेल सामने आ पाई है। साउथ कोरिया की कंपनी किया मोटर्स की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की लीक तस्वीरों में किया की ये नई एसयूवी काफ़ी कवर है, जिसकी वजह से इसकी डिज़ाइन या स्टाइलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ सामने नहीं आ पाया है। हालांकि साइज़ के हिसाब से ये सेल्टॉस एसयूवी का मिनी वर्जन जैसे लगती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किया नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को ह्युंडई वेन्यू से थोड़ा छोटा रख सकती है। टेस्टिंग किए जा रहे मॉडल्स में स्टील व्हील्स, सिल्वर रूफ रेल्स और आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स देखे गए हैं। तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि ये एसयूवी स्लीक हेडलैम्प, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स और एलईडी टेल लैम्प जैसे फीचर्स के साथ आएगी। इसके अलावा इसमें किया का सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल आपको देखने को मिलेगा, ड्यूअल टोन रूफ और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी आपको इसमें मिल सकते हैं। पावर की अगर हम बात करें इस गाड़ी के लिए, किया की इस नई एसयूवी में ह्युंडई के वेन्यू वाला 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और सेल्टॉस में दिए गए 1.5 लीटर डीजल इंजन को प्रेफर किया जा सकता है। दोनों इंजन के साथ में ये गाड़ी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस में भी अवेलेबल होगी। जहां तक इंटरनल केबिन स्पेस की बात करें, नई एसयूवी के इंटीरियर की तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं। हालांकि कंपटीशन में जो एसयूवी है उसके मुकाबले इसका केबिन ज़्यादा प्रीमियम होने की हमें उम्मीद है। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इसमें पीछे की सीट पर बीच में बैठने वाले पैसेंजर के लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट और UVO कनेक्टिविटी ऑप्शन जैसे लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट फीचर्स मिल सकते हैं। लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो किया की इस नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के कॉन्सेप्ट मॉडल यानी कि प्री प्रोडक्शन मॉडल को ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किए जाने की संभावना है। इसकी मार्केट लॉन्चिंग 2020 के सेकेंड हाफ में यानी कि दिवाली के दौरान फेस्टिवल सीजन के आसपास हो सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।